3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, 3-3 मार्केट के अंदर और अंदर जाना, अभी ये ऊपर ऊपर की मार्केट है। बाटा सिंगारा मार्केट, हाँ ये चेपुरी शाम आदो, राइट साइड लेफ्ट साइड वही मार्केट है, राइट साइड डी फ्री जहाँ रखे हुए हैं लोगों के। चलो स्ट्रेट चलो, अभी मैं बोलता हूँ। अब लेफ्ट आ रहा पार्किंग के ऐसे, केवी लगा दिया। मौसम में मौसम में होना है तो स्ट्रेट जाना है, देखो कहाँ कहाँ यहाँ लगा सकते हैं ना स्कॉर्पियो के बाद। पपीता ग्रेप्स हो सिंगारम की मार्केट है, नाम तो अच्छा लगा पाटा सिंगारम। ये बाटा सिंगारम की मार्केट है, एंट्री करें अपन, देखना है। हाय गाइस, वेलकम टू मोर बेनिफिट चैनल। आज मैं बताने जा रहा हूँ मैं बाटा सिंगारम फ्रूट मार्केट के बारे में। एंड ये कुत्तागुड़ा तेलंगाना में आती है मार्केट। इससे पहले कुत्तापेट मार्केट थी जो सो लगभग 24 किलोमीटर है वो, इससे बिफोर। एंड मेरे घर से 6 किलोमीटर थी कुत्तापेट मार्केट। एंड ये मार्केट मेरे घर से 30 किलोमीटर है, 24 किलोमीटर का डिस्टेंट होगा वो, इससे कुत्तापेट मार्केट से एंड बाटा सिंगारम मार्केट को। एंड गाइस, ये मार्केट है स्पेशली तेलंगाना वालों के लिए। मैं तो हैदराबाद तेलंगाना मलकपेट में रहता हूँ। मैं स्टेट जो सो तेलंगाना है, सिटी हैदराबाद है, एरिया जो सो मलकपेट है। एंड बता रहा हूँ मैं लोकेशन, देखिए 30 किलोमीटर है मेरे घर से, 51 मिनट्स में पहुँचते, 30 किलोमीटर पे है ये। तो आपको मैं इसका स्टार्ट कर देता हूँ, हेड साउथ देन टर्न राइट, इसी आपको बता दूंगा मैं आपको। माइनस करिए इसको, दिस मेरे घर से इतनी दूर जाना है गाइस। गाइस मैं पॉज करूंगा वीडियो को, जब कार में बैठूंगा जब भी बताऊंगा आपको, बता दे के बोलूंगा कि ऐसा ऐसा जाना है बल्कि। और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं आपको ये मार्केट का, जो भी तेलंगाना में है विजिट करके परचेस कर सकते फ्रूट्स। एंड क्या है क्या नहीं इसका रिव्यू एंड में बताऊंगा मैं, सो होने के बाद फ्रूट में को बेस्ट बेनिफिट में मिला या नहीं मिला,
यानी तो आपको एक्सपीरियंस भी दूंगा मैं कोई दूसरे फ्रूट वालों से भी लेके। एंड देखिए गाइस, ये है, ये इंटरेस्ट है, यहाँ से आना है, यहाँ पार्क होगा मेरे ख्याल से, यहाँ भी होंगी मार्केट, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, फिर अपोजिट में भी है HMD ट्रक्स डॉक्स लॉजिस्टिक PVT बोल के दे रहा है, ये भी उसका ही दिख रहा है मेरे को, मार्केट का एरिया है इसमें, यही एंड पे है ना, तो ये मार्केट पूरी इतनी बड़ी, बहुत बड़ी है मार्केट। एंड जाते हैं गाइस, शुरू करता हूँ मैं दूसरी वीडियो, जैसे कि पॉज करता हूँ ये वीडियो को, एंड जैसो कार में बैठ के भी बताऊँगा, मार्केट में फ्रूट वालों के सामने भी बताऊँगा ये वीडियो, एंड जैसो एंड में ये पूरा वीडियो का क्या है बेनिफिट, है बेनिफिट पूरा बताऊँगा मैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है गाइस, थैंक यू। हाँ लिंबू 170 का रहा है। ये कैसा है? हाँ ना जमाना इसको डाल दे। फेमस फ्रूट देख सकते हैं, रंडू एंजॉय कर रहे हैं, 9-10 किलो का कार्टून है ये। नौ किलो अंगूर का कार्टून है, 220 बोल रहे हैं ना, आओ 10 किलो 9 किलो 9.5 किलो आता हूँ, 220 रुपये बोल रहे हैं। नौ किलो बोल रहे हैं, 8.5 किलो 9 किलो 10 किलो भी हो सकता, 220 मतलब 220 रुपये में एक कार्टून है ये, ऐसा जो खोल रहे हैं लोग, ये जैसा ये कर रहे हैं, ये अंगूर है, ग्रेप्स। बाटा सिंगारम की मार्केट है, आ सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं मार्केट की व्यू। ये अंगूर है देखो भाई, 250 का 9 kg है, वही 250 260 270 लास्ट एवन क्वालिटी बोले तो 300 तक है। यहाँ से गाइस अनार का शुरू है कैबिन, कार्टून लेना पड़ता आपको, एक कार्टून में 33 या 30 ऐसा कुछ रहते, देख रहे होंगे आप। ये कितने रहते हैं? 50। तो कैसा रहते हैं कार्टून? ये क्या बोले? 900 रुपये। 900 रुपये 50 पीस 900 रुपये। पचास अंगूर है, 1000 रुपये, 800 बोले, 900 बोल रहे हैं, 800 में देते, 50 अंगूर है। बात करो, डिपेंड करता अंगूर के ऊपर, वही अनार के ऊपर भी करता डिपेंड, अगर बड़ा रहा तो महंगा रहता, छोटा रहा तो ज़रा सस्ता रहता।
जो मेरे साथ आए हुए हैं ना फ्रूट वाले, उनको फ्रूट वाले पहचानते वो हिसाब से ना हो रहा है। आप भी आए तो आपको यही रेट लगता, वो सुबह तक 10-20 इधर उधर होते बस। कार्टून खोल के बताओ ना दाने कितने हैं, ये दाने कितने हैं, दिया उसको 900 में दिया, वो 750 दे, अपन को 750। सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ में देते हैं, बोल रहे हैं 50 अनार 60 अनार है, 50-60 आसपास। अनार का कार्टून भी खोल के बता दिया ना, वही अनार क्या भी ना अलग अलग हैं अनार के अंगूर के। आप आए तो आपको समझ में आ जाता है, बाटा हिंदारामपुर मार्केट। $88 है इसमें, जैसो कुछ कम 90 या 100 है इसमें। एप्पल एंड ऑरेंज मिलता है यहाँ कैबिन में, उसके अपोजिट राइट साइड पे। बाटा सिंगारम का मार्केट है ये। देख रहे होंगे लॉरी है ये सेट, इसमें से निकल रहा हो कंटेनर में से ना निकल के इन लोग मुंडेदार को देते, मुंडेदार अपन को देता। ये क्या बोल रहे हैं ना 120 दाने हैं 2000 रुपये एप्पल। हाँ गाइस, यहाँ जो सो ये सेट जो सो मुक्स मिलन है, वाटर मिलन है एंड ग्रेप्स है, ग्रेप्स वहाँ है, अनानास है। देखिए जो 8 रुपीज है वो छोटा वाला है, 28 वाला ज़रा बड़ा है, 40 वाला बिग है। साइज के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ 40 है, ये 28 है, वो 8 रुपीज़ है, साइज के ऊपर डिपेंड है। सुनो 55 है कितने मुक्स मिलन, 55 खरबूज है तो उसमें कितने में पड़ा अपन को 800 रुपये में, 850 रुपये हम मालिक है सर मुक्स मिलन। रामूजी फिल्म सिटी हाँ गाइस, ओवरऑल रिव्यू ये है मार्केट का। जैसे कि मैं क्या क्या फ्रूट्स ख़रीदा, जैसे कि आज क्या है, आज ही के दिन ख़रीदा था 24 अप्रैल को एंड मॉर्निंग 6 o'clock को गया
एंड 7 o'clock को कार में बैठ के वीडियो बनाया था, बोले तो 6 o'clock को गया था, आसपास 15 किलोमीटर क्रॉस कर दिया था 7 o'clock के बाद वीडियो शुरू करा मैं, आप देख सकते हैं। एंड जो सो ये जो शेड में क्या क्या मिलता और जो सो कितने में मिला और जो सो वो भी बोलूँगा आपको, और कौन से प्लेस में मिलेगा। जैसे कि मैं खुद कन्फ्यूज़ हो गया वहाँ, जैसे कि ग्रेप्स तो वहाँ ले लिया। एंड जो सो फर्स्ट मैं ग्रेप्स लिया, वो बताऊँगा मार्केट में क्या क्या लिया। जैसे कि फर्स्ट मार्केट का बताऊँ, ये तो रेस्को से मेरे घर के साइड का, ये नहीं होती मार्केट, फर्स्ट तो यहाँ है बाटा सिंगाराम मार्केट का, जैसे कि ये मार्केट है। फर्स्ट ये देखिए सूर्यापेट विजयवाड़ा हाईवे बोल के है, यहाँ से गया मैं, यहाँ से जाके ये सेट लेफ़्ट मार लेके, फिर ये सेट जाके फिर लेफ़्ट मारा, यहाँ मार के यहाँ कार हम लोग ठहरा दिए पार्क करें। पार्क करने के बाद ये आसपास ग्रेप्स का भी मिला, ग्रेप्स देखिए गाइस 9 kg का था वो, 750 में दिए। तो मैं गया, मेरे डैड गए, मेरे एल्डर ब्रदर गए, एंड सो जो फ्रूट मार्केट वाले हैं एक पर्सन उनको भी लग गया था मैं, जैसे कि उन्होंने भी फर्स्ट टाइम विजिट करे थे, दूसरी मार्केट से लेते हैं, चलो बोल के कार में उनको ले लेके गया। तो उन्होंने बोले कि है यहाँ क्वालिटी भी अच्छी है, क्वान्टिटी भी मिल रहा, लेकिन देख समझ के लेना है। एंड गाइस आज के दिन तो बहुत महंगा था फ्रूट, ग्रेप्स था देखिए अब 750 rupees में पड़ा, लोगों को 800 तक दिए उन्होंने, बोले तो चुकाने का भी रहता उसमें, कुछ नेगोशिएबल कर सकते आप बोल के उनको, कुछ भी तेल ले रहा हूँ बोले तो। एंड यहाँ ग्रेप्स लिए हम लोग जहाँ टच करो मैं, उसके बाद पोमोग्रेनेट इधर लिए अनार, वो देखिए वो कितने में मिला, 750 या 800 के आसपास मिला, लोगों को 900 बोला, लोग नेगेशियबल नहीं करें नहीं पता, लेकिन जो मार्केट में मैं जिसके साथ गया था उन्होंने बोले कि लोगों को 900-800 में कुछ दिए। एंड मेरे को तो 750 या 800 में पड़ा, मेरे को कम में मिला। जैसे कि ये ग्रेप्स जैसो कितने थे, यहाँ ग्रेप जो मिला कितने थे, कितने केजी थे, 9 kg था ये अनार जो था पोमोग्रेनेट। एंड अनार देखिए थे उसमें 60 या कुछ थे, उसमें 60 थे हो अच्छे थे। एंड यहाँ देखिए ग्रेप्स का है या अनार का है, मैं फ़िलहाल गया था जगह। एंड फिर वहाँ से निकले हम लोग, फिर ये साइड आए, जैसे कि यहाँ आए, यहाँ एक वाटर मिलियन लिए, यहाँ 10 rupees kg है, 11 rupees भी kg है, क्वालिटी के ऊपर है, यहाँ क्वालिटी अच्छी भी है नॉर्मल भी है, ज़्यादा तो अच्छी मिलेंगी यहाँ। एंड यहाँ देखिए हम लोग वही वाटर मिलियन भी ले लिए। फिर इसके बाद यहाँ पर ग्रेप्स लेना था, यहाँ पर आस पास बीच इसके अपोजिट में, मैं को नहीं मालूम ये मार्केट का, इस वजह से बता रहा हूँ। फिर हम लोग यहाँ से ये वाटर मिलियन ले लेके फिर यहाँ से फिर यहाँ गए हम लोग अपोजिट रोड पे, HMDA ट्रक्स डॉक्स लॉजिस्टिक PVT बोल के लिखा हुआ है यहाँ जो सो। यहाँ देखिए गाइस हम लोग को मिला यहाँ ये शेड या ये शेड, ये मेरे गेस से ये शेड में मिला, हाँ राइट लॉजिस्टिक के शेड में ही मिला शायद, हाँ राइट ये शेड था 100%। यहाँ से शेड में थे इंटरेस्ट है, यहाँ एप्पल मिलता, ऑरेंज मिलता आपको, कीवी बत ऐसे चीज़ें भी मिलते। एंड मैं देखिए ऑरेंज लिया कितने लिया, उसमें 100 आए, 100 में तो 1000 rupees में दिए उन्होंने, अब 1050 या 1150 के भी बता रहे थे लोग, जितना आप पूछ के ले सकते, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का मिला ऑरेंज मेरे को अच्छा। एंड जैसे एप्पल देखिए डेलीशेस एप्पल भी था, दूसरा भी था शायद, वो एप्पल भी लिए कितने में पड़ रहा है, एप्पल 120 pieces थे, 2500 कुछ बोल रहे थे उन्होंने, या 2000 कुछ बोल रहे थे एप्पल के, वो भी लिए, ये एप्पल एंड ऑरेंज लिए। यहाँ मार्केट से तो कम मिला मेरे को, यहाँ मार्केट में देखिए मेरे नियर बाई मेरे हाउस के नहीं मेरे घर के नहीं लिए तो 30 rupees या 35 rupees में वो एप्पल, यहाँ मेरे को मिला 17 rupees या लगभग 16 या 17 rupees में पड़ा मेरे को, 2000 में या कितने में की डब्बा था, 2000 में था वो एप्पल का। एंड ऑरेंज का 1000 rupees में था, ऑरेंज देखिए वो भी मेरे को 10 rupees में पड़ा, 1000 बोले तो 10 rupees में था, 100 थे वो। एंड फिर यहाँ से फिर हम लोग क्या करे, वही ग्रेप्स के लिए यहाँ आए हम लोग, फिर वाटर मिलियन के अपोजिट या वॉल है उसके अपोजिट में छः, वो देखिए वो जो ग्रेप्स था, ग्रेप जैसो 8 rupees वाला भी है छोटा, 28 rupees वाला बहुत अच्छा, उससे डबल है, डबल का ट्रिपल है। एंड 40 rupees वाला भी था वहाँ, बहुत अच्छा था,
एंड मैं 30 रुपीज़ वाला भी लिया, मैं 30 रुपीज़ वाला लिया, जो 28 रुपीज़ वाला ही से ज़रा और अच्छा था क्वालिटी भी क्वांटिटी में भी, एंड क्वांटिटी में लिया मैं। एंड बोले तो देते उन लोग, उसमें हम्बाली चार्जेस लगाते उन लोग, बहुत से वो 10, 20, 30 ऐसा, बहुत से 50 होगा हम्बाली चार्जेस। एंड उसके बाद एंड में क्या करा बोले तो मोक्ष मिलन लिया मैं, यहाँ पर ही मोक्ष मिलन भी मिला मेरे को, ये भी फॉरगेट हुआ था मेरे से। बोले तो मार्केट में फर्स्ट टाइम विजिट करा, वो फ्रूट वाले मेरे साथ है, उन्होंने भी फर्स्ट टाइम विजिट करे थे, उन्होंने दूसरी मार्केट से लेते, तो मैं ही बोला था चलो कार में जाएंगे बोल के। हाँ वही यहाँ देखिए ग्रेप्स लिए, यहाँ टच जा कर रहा हूँ, यहाँ जैसो पोमोग्रेनेट अनार लिए, यहाँ पर जैसो वाटर मिलियन लिए, यहाँ पर जैसो फिर यहाँ जाके ऑरेंज एप्पल लिए, फिर रिटर्न आए थे यहाँ, रिटर्न आके ग्रेप्स नहीं नहीं सॉरी ये लिए थे क्या आपके पाइनएप्पल लिए यहाँ, फिर उसके बाद हाँ पाइनएप्पल ले लेके फिर यहाँ मोक्ष मिलन लिए। मोक्ष मिलन भी मैं हम लोग को कहता बोला बोले तो सस्ता ही पड़ा, 25 रुपीज़ 30 रुपीज़ के जी, 25 रुपीज़ या 30 रुपीज़ के जी पड़ा समझिए। हाँ तो लॉट लिए थे तो के जी के हिसाब में मैं उन्होंने जो फ्रूट वाले उन्होंने एग्जाम बोले तो उनको एक्सपीरियंस है वो बोल दिया उन्होंने। एंड कितने कितने मैं पढ़ा फिर बोल रहा हूँ गाइस, ग्रेप जैसो देखिए 6-7 ग्रेप्स सॉरी ग्रेप जैसो ग्रेप्स की एक 9 किलो का ग्रेप्स था वो पड़ा के, वही अंगूर था 9 किलो का, वो पड़ा हम लोग को 270 रुपीज़ 270 270। एंड जो पोमोग्रेनेट जो था अनार वो पड़ा के हम लोग को 750 शायद, हाँ राइट 750 में पड़ा, वो थे 60 थे वो। फिर यहाँ वाटर मिलियन लिए हम लोग 11 रुपीज़ या 10 रुपीज़ से के जी, 11 रुपीज़ से लिए, अच्छा क्वालिटी का था। फिर उसके बाद यहाँ गए थे हम लोग, फिलहाल यहाँ का बता दो, ग्रेप्स हम लोग लिए के ग्रेप्स होगा ये पाइनएप्पल लिए के हम लोग 28 में लिए, अच्छा अच्छा क्वालिटी का था। फिर उसके बाद मोक्ष मिलन भी लिए या जैसे कि वही वही खरबूजा बोलते हैं ना उसको, वो लिए के कितने में लिए वो वही हम लोग 30 रुपीज़ के जी पड़ा हो। हाँ एंड यहीं कोने में यही सेट कोने में वो मिलता आपको क्या चीकू जैसे कि सपोटा बोलते हैं ना, वो भी लेने वाला था लेकिन सख्त था वो, मेरे को आज ही होना था क्योंकि वो फूड्स पीपल्स एंड जैसो नियर बाई जितने भी हमारे नेबर्स हैं एंड फैमिली मेम्बर्स हैं उनको तकसीम करना था, उस वजह से टाइम हुआ बल्कि ये टाइम पे शूट करके बता रहा हूँ ओवरऑल व्यू। या ऑरेंज लिए, एप्पल लिए एंड दूसरे भी चीज़ मिलते जो डी फ्रीजर में उन लोग रख सकते एंड जो सो अच्छे थे गाइस, मार्केट से तो मेरे को बेनिफिट हुआ यहाँ। एंड गाइस आ सकते हैं मार्केट को आप लोग, अच्छी है मार्केट, आप विज़िट करिए कभी यहाँ से गए तो। एंड गाइस ये चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करिए, शेयर करिए, मोर बेनिफिट चैनल बोल के है गाइस। एंड बता रहा हूँ गाइस ये चैनल मेरा, हाँ मोर बेनिफिट चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करिए। दूसरे श्रीराम ऑक्शन के वीडियोज़ बताया मैं, बेनिफिट वाले वीडियो वो भी देख सकते हैं आप। एंड सो गाइस थैंक यू, बाय बाय। कैसा दिखा ये जो बाटा सिंगारम फ्रूट मार्केट का रिव्यू आप बताइए मेरे को, थैंक यू। लेकिन गाइस बहुत थक गया गाइस भाई वहाँ जाके जो रिव्यू करने गया, धूप बहुत थी प्लस फास्टिंग में था मैं, तीसरा डैड को कार में बिठा, एल्डर ब्रदर को भी कार में बिठा, मैं ही बोला तो गए उन लोग फ्रूट वालों को भी मैं ही बोला था, अरेंज करा था भाई चलो एक्सपीरियंस आपको है मेरे को लोकेशन डाल दे के जाएंगे बोले ठीक है बोल के, उनको भी एड्रेस नहीं मालूम था खाली एरिया मालूम था, तो हम लोग गए भी वहाँ विज़िट करे, मगर हमारी लगी पड़ी हुई थी जैसे कि हम थक गए थे। एंड थैंक यू गाइस, बाय बाय। हाँ गाइस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करना था गाइस, जैसे कि मेरी कोई भी वीडियो से जैसे कि ये फ्रूट की हो या नहीं तो ऑक्शन की हो, जैसे कि हैदराबाद के तेलंगाना के स्पेशल कोई भी आ सकते पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रूट मार्केट में बोले तो, देख सकते या परचेस कर सकते हैं, क्वांटिटी एंड जैसे क्वालिटी भी अच्छी है, क्वांटिटी में लिए तो बेनिफिट आपको है। एंड गाइस बोलने का मकसद ये है कि गाइस जैसे कि ये मेरे को से भी वीडियो से आपको बेनिफिट या कुछ भी अच्छा बेनिफिट हुआ तो आप कोई भी पूर पर्सन को मदद कर दीजिए, जैसे कि आपके फैमिली में या नेबर्स बोथ में, आपके फैमिली नियर बाई नेबर्स में या नहीं तो आप पहचानते हो या नहीं पहचानते हो किसको भी कुछ भी 1 रुपी से लेके क्या मदद करते कर दीजिए। एंड किसी के
बेनिफिट वाली वीडियो है, जैसे कि कोई बेनिफिट वाली चीज़ है आप मैं बना सकता हूँ, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं गाइस, जैसे कि कमेंट में भी या मेल में भी 24x7 कभी भी कर सकते हैं आप। मैं देखा तो बेशक 100% उस पर मैं वीडियो भी बनाऊँगा, बेनिफिट भी दूंगा लोगों को। अगर आप लोग को भी बेनिफिट होता है मेरे वीडियो से, तो आप कैसा भी पुअर पर्सन की कैसा भी हेल्प करिए गाइस, कुछ भी देके या कुछ भी करके मदद करिए गाइस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।